सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग वीवो Y95 इसका जो लॉक है उसको अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका जो पैटर्न लॉक लगा हुआ है उसको UMT से कैसे इजी तरीके से रिमूव करते हैं, वही हम सीखेंगे। पहले जो तरीका था वो पुराना तरीका अब काम नहीं कर रहा है, तो नया तरीका है UMT के थ्रू जो है इसको अनलॉक करने में। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल को ओपन कर लेना है। अब EDL की मदद से हम मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो EDL पॉइंट को आपको पता ही होगा, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दो बिंदियाँ हैं, इसको टच करके चिमटे की मदद से टच करके डाटा केबल इंसर्ट करना है। चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने डिवाइस मैनेजर पहले ओपन कर लेना है, क्योंकि पोर्ट बना रहा है यहाँ पर नहीं, उसको हमें यहीं से पता चलता है। तो आपको भी डिवाइस मैनेजर पहले ओपन कर लेना है ताकि जब मोबाइल कनेक्ट हो आपको पता चल जाए। इसके बाद हम लोग अल्टीमेट मल्टी टूल QC फायर को ओपन कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी ब्रांड में वीवो और मॉडल नंबर पे Y95 हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए पहले जो तरीका था यहाँ पे डिसेबल लॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट FS से एग्जीक्यूट करके हम लोग करते थे, लेकिन ये तरीका अब काम नहीं कर रहा है, फ़ोन डेड होने का चांस है। तो इसके बदले आप यहाँ पे वीवो FS FRP यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ है और बहुत सारे मॉडल पे ये नया तरीका काम कर रहा है। तो आप लोग कोशिश करें कि इसके मदद से ही करें, इससे आपका फॉर्मेट भी हो जाएगा और FRP भी चला जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मोबाइल को EDL से कनेक्ट करके डाटा केबल इंसर्ट कर देता हूँ। तो गाइस देखिए मैंने मोबाइल को कनेक्ट कर दिया है, ये पोर्ट भी बना लिया है और इसका जो फॉर्मेट का काम और FRP का काम अभी चल रहा है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली ये हो गया है। अब मैं मोबाइल को ऑन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये FRP रीसेट और फॉर्मेट FS हुआ कि नहीं। सो गाइस देखिए मोबाइल ऑन हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सो गाइस इसका शायद चार्ज में मैं लगा रहा हूँ ताकि इसका बैटरी जो है वो डैमेज ना हो जाए। तो देखिए गाइस मोबाइल ऑन हो गया है और फॉर्मेट भी हो गया है और इसका FRP भी चला गया है। तो मैं आपको FRP दिखा देता हूँ चला गया कि नहीं। तो एग्री करेंगे और यहाँ पे देखिए स्किप करने का ऑप्शन आ गया, तो ये आसानी से स्किप हो रहा है। और मैं दिखा देता हूँ सब कुछ करके आप लोगों को, सेटिंग में जाके या फिर इंटरफेस जो आता है वीवो का उसको दिखा देता हूँ। वो देखिए यूज़ नाउ करके आ गया, कोई भी FRP लॉग नहीं आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।